पापा तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री, ये फ्रेंच फ्राइज और समोसे लाए थे, खाओगे नहीं? फिर आज वो बदमाश पकड़ी जाएगी कल? हम सुनार की दुकान पे बात कर रहे हैं रेगुलरली, पर कोई भरोसा नहीं है वो पांडे और प्रधान का, ये धमका के चुप ना करते। सुबह हमारा फोन लेके आओ ना। हेलो अंकल, काव्या बोल रहे हैं। आप तैयार है ना कल के लिए? पर बेटा, मंत्री साहब और कमिश्नर साहब के सामने हम अपना मुंह कैसे खोलेंगे? हम आपके घबराहट समझते हैं, आपको धमकाएंगे, दबाव डालेंगे, पर हम भी तो है ना आपके साथ। मगर बोलना क्या है? आपको सिर्फ यही बोलना है कि राधिका पांडे आपकी दुकान पे आई थी, उन्होंने रातों रात एक ब्रेसलेट बनवाया हमसे। सच्ची तो बोलना है, फिर किस बात का डर? हाँ बेटा, बात तो सही कह रही है तुम। वैसे बेटा, तुम्हारी बात सुन के हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी हिम्मत जाग रही है। देखिए अंकल, याद रखिएगा, सच का साथ देना मुश्किल होता है, पर जीतता हमेशा सच ही है। कल मिलेंगे हम आपसे। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम सब लोग। जी, आपने हमें बुलाया, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? जी नहीं। आपसे एक सवाल पूछना था, क्या राधिका पांडे ने पिछले हफ्ते आपसे एक ब्रेसलेट बनवाया था? ये उसकी रिसीट है। अंकल, जो कल आपने हमें बताया था वो इन सबको बता दीजिए। तो मैं वही बताऊं जो आपने मुझे बोलने के लिए कहा था? देखिए अंकल, वो बोलिए जो सच है। बोलिए बोलिए, सच जानना चाहते हैं। तो सच ये है, आईएएस मैडम हमें फोन की थी और इन्होंने कहा कि राधिका पांडे के नाम से एक रसीद बना दीजिए। अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं, हमने ऐसा कब कहा है आपसे? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, आप ही ने तो कहा था कि कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप वही बताना जो मैं आपसे बोल रही हूँ। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा था आपसे। फोन पे कहा था ना, फोन पे जब हमारी आपसे बातचीत हुई थी। हमारे बेटे को इस लड़की पर बहुत यकीन है,
और हमें अपने बेटे के भरोसे पर बहुत भरोसा है, तो हम कैसे मान लें कि ये लड़की झूठ बोल रही है? बताइए। देखिए, मैं आपसे सच बोल रहा हूँ। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो हम अपनी बातों की रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। एक मिनट सुनाइए। हाँ, ये सुनिए। हेलो अंकल, काव्या बोल रहे हैं। आप तैयार है ना कल के लिए? मगर बोलना क्या है? आपको सिर्फ यही बोलना है कि राधिका पांडे आपकी दुकान पे आई थी, उन्होंने रातों रात एक ब्रेसलेट बनवाया है आपसे। नहीं, ये झूठी रिकॉर्डिंग है, ये हमने नहीं कहा है आपसे कभी। नेताजी के सामने हम काहे झूठ बोलेंगे? हम नहीं जानते, आपको शायद उन्होंने डराया है, धमकाया है, पर हमने ऐसा आपसे कुछ नहीं कहा है। आदि, आदि प्लीज 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 एक बार हमारा विश्वास करो। हम क्यों झूठ बोलेंगे? आदि प्लीज हमारी बात सुनो। देखो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अबे ओ, चोरी पे सीना चोरी। हाँ यार, ये तुम्हारा जो नौटंकी चालू हुआ है ना, तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तो तुमने हमारी राधिका पे झूठा इल्जाम लगाया, और जब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो तुम बौखला गई। समझ में नहीं आ रहा है पापा। हादी देखो, हम सच बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंकल ने हमसे खुद कहा था कि राधिका उनके पास आई थी एक नया ब्रेसलेट बनवाने के लिए। ये अभी अभी अपनी बात से ही मुकर रहे। काव्या, आप बस करो, कितना झूठ बोलोगी तुम? तुम्हें हो क्या गया है काव्या? हमारे परिवार पर झूठा इल्जाम, राधिका की बेइज्जती, तुमने हद पार कर दी है। तुम आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जा सकते हैं आप। धन्यवाद। आदि, काव्या प्लीज गो। काव्या कहीं नहीं जाएगी। माँ, काव्या मेरी मेहमान है। आदि मान ले, तुम बीच में मत बोला। तुम्हारी शह की वैसे ही लड़की हमेशा हमारे घर में चली आती है, और जब जी चाहे जो मर्जी करती है। हम इस लड़की को आप माँ से इस तरह बात नहीं करेंगे। माँ, आप प्लीज बात को समझोगे? वो कुछ नहीं समझना मुझे, और ना ही समझा रहा है किसी को। काव्या यहां से कहीं नहीं जाएगी। यहां से गई तो मैं भी ये शादी अटेंड नहीं करूंगी। मां, आप सब जश्न मनाओ, मैं जा रही हूं यहां से। नहीं आंटी, आप मत जाइए प्लीज, आपके बिना ये शादी हो ही नहीं सकती। मुझे पता है तुम आदि से प्यार करती हो, इसलिए ये सब कर रही हो। मैं होती ना तो जहर दे देती उसकी नई गर्लफ्रेंड को। तुम्हारा यहाँ होना मम्मी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स। अब से काव्या मेरी गेस्ट है, और वो हर फंक्शन पे आएगी और सब उसका स्वागत करेंगे। डन। कम ऑन गाइस, चिल, शादी अटेंड ही तो कर रही है, तोड़ थोड़ी ना रही है ना काव्या?
बिल्कुल, तो तुमने कह ही दिया है तो आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।